खैरियत से होंगे। और हम जा रहे हैं जी आज शादी में, भांजी की शादी है। गाड़ी में बैठे हुए का ड्रेस, मेरा ड्रेस नज़र नहीं आ रहा होगा सही। हम जा रहे हैं, अब टाइम ऐसा हो गया है 12 बज गए, 12:30 हो गए तकरीबन, दोपहर की 12 होते हैं, अभी भी अच्छा हो गया, वरना इन रास्तों पर बहुत धुंध होती है, बहुत मुश्किल हो जाने की फिर नहीं। चलिए जी फिर वहाँ पहुँच कर आपसे बात करती हैं, साथ ही रहिएगा जी। हम फाइनली हॉल में पहुंच गए हैं और हम अकेले हैं। और ये मेरे भाई हैं छोटे, ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई, प्यारा प्यारा से मेरे शहजादे भाई, ठीक है ना। तो ये भी आपको सलाम कर रहे हैं। ये रात को मिस हो गई मैं, नहीं तो मैंने गाना सुनवाना था आपसे रात को। हमने बहुत फंक्शन मजा किया और लेकिन आपको मिस किया हमने। इन्होंने बहन को मिस किया रात, इन्होंने मुझे मिस किया, इसलिए मिस किया क्योंकि हमने ढोलक बजानी थी, धुंध की वजह से हम लोग नहीं आ सके, ठीक है ना। रात को बल्कि हमारा मजा बहुत। और अभी हम अब हाल में भी हम सिर्फ अकेले, हम दोनों बहन भाई हैं, अभी बारात नहीं आना है, ठीक है। तो चले जी, ये मेरे भाई ही, मैंने कहा आपसे मिलवा दूं। मैंने दिखाया था ना, ये शादी में, भतीजे की शादी में बहुत नाच रहा था ये, ऐसे ऐसे ये देखो। हाँ, और ये है जी मेरी प्यारी सी भांजी, नाम बताओ। मेरा नाम सीरत फातिमा है। सीरत फातिमा है ये, और इनका ड्रेस देखें जी, जबरदस्त सा ड्रेस है। तो ये मुझे लाइक भी करेंगी, ठीक है ना जी? ये मुझे कमेंट्स भी करेंगी और शेयर भी करेंगी, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। मैं इसलिए लेकर आई हूँ कैमरे में। और ये हैं जी, ये देखें, ये मेरे भतीजे हैं, प्यारे प्यारे से। ये भाई है ना छोटे, इसके बेटे हैं छोटे छोटे से, प्यारे प्यारे से मेरे भतीजे। आना आओगी? ये है जी, कौन है जी? ये ईमान फातिमा। ये ईमान फातिमा है, प्यारी सी मेरी भांजी। ये दोनों बहनें हैं जो अभी मैंने दिखाई थी ना, और दूसरी ये है, ठीक है। ये बड़ी हैं, वो छोटी हैं, ठीक है। ये मेरी बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ, बहुत प्यारी प्यारी भांजियाँ हैं, ठीक है। चलें जी, ये मुझे लाइक और शेयर करेंगी, ठीक है। चले मैं अब विजिट करवाती हूँ, दिखाती हूँ हॉल। आज मौका मिल गया हॉल दिखाने का, इसलिए कि अभी कोई आया नहीं है इस वजह से। ये देखें, और ये है जी, आगे से इधर इधर देखो। ये है जी मेरी भतीजी सिद्रा हैं, और ये भांजी आमिना है। मैं चेहरे नहीं दिखा सकती इनके। चलें जी, दोनों अब्दुल हादी हैं और नुमान है, ये दोनों दोनों कज़न खड़े हुए हैं और हाय हाय कर रहे हैं और बाय बाय कर रहे हैं। चलें ठीक है, अब ज़्यादा खुश नहीं हो, चलो पीछे हटो। और ये स्टेज बना हुआ है, ठीक है, अभी दुल्हन ने आना है अभी। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे कज़न हैं जी, खालाजाद बेटे हैं मेरे, ठीक है। मेरे ताया के बेटे भी हैं और मेरे खालाजाद बेटे भी हैं, ठीक है ना। हाँ, और ये माशाल्लाह चार बहनों के इकलौते भाई हैं, खैर से इनका रिश्ता करना है। ये दोनों साले बहनों ही हैं, नहीं एक रिश्ता ये भी तो बताना ना, ये भी तो रिश्ता बताना है ना, पागल, लोगों को पता चले ना। मेरे चचा के बेटे भी हैं, ये मेरी खाला के बेटे, ताया के हैं कि चचा के, हमारे ताया के बेटे, खालू बड़े थे, अबू नहीं, अबू बड़े थे, नहीं अम्मी अब की बड़ी थी, अबू बड़े थे, बड़े थे वो खालू हमारे। सॉरी जी मैं भूल गई, ये मेरे चचा के बेटे, ये मेरी बहन भूल गई है, ये सिर्फ ब्लॉग बनाने की खुशी में, कोई बात नहीं, खैर ये तो सिर्फ मैं अकेली आ रही हूँ ना। ये देखे मेरे भाई कैसे शुगर लगाते हैं ये। रात को मैं, इन्होंने मुझे बहुत मिस किया, इसलिए मिस किया कि ढोलक पे हम सारे थे, हम नवा थे ये मेरे। और आपने हमारी बहन को बहुत ज्यादा कमेंट्स देने हैं, लाइक करना है जी, सब्सक्राइब करना है जी, जी, जी है? बिल्कुल बिल्कुल, okay. शूट होने लगा, ये दुल्हन का शूट होने लगा, ये सिटिंग दी थी ना शूट के लिए। हाँ नहीं नहीं ठीक है बैठो आप। ऐसे किक करो, ये नाका होगा, तालियां दा नाका। मामा चले ना, इन्होंने बारात आ गई है इसलिए उसका वेलकम करने जा रहे हैं हम, ठीक है। बारात आ गई, ये देखें ये फूल, ये देखें ये प्लेटें लड़कियों ने पकड़ी हुई हैं, ये सब ने
अमर आंटी, अमर आंटी नूर को कैरी करेंगी। बड़ा तफरी मच गई है। ये देखेंगे, ये मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। अच्छा, ये रास्ता रुकाई होनी है, पकड़ लो, सीधी तो हो जाओ। ये रास्ता रुकाई होनी है जनाब, ये देखें, देखें ये बाजी देंगी जी, ये शॉल देंगी, रास्ता रुकाई है। ये किसको देनी है बाजी? सर को, लड़की को, सर को, लड़के के बाप, लड़के के बाप को देनी है। ठीक है, कामरान हनीफ व मोहम्मद हनीफ के साथ बाजी बस हक में है। नकदी 50,000 और 2 तोला सोना तलाई जेवर। मोहम्मद कामरान हनीफ व मोहम्मद हनीफ के साथ बाइवस हक में है। 50,000 नकद, 2 तोला तलाई जेवर किया जाता है, आपको कबूल है? आपका निमरा नसीर व मोहम्मद नसीर आपका निकाह मोहम्मद कामरान हनीफ व मोहम्मद हनीफ के साथ बाइवस हक में है। 50,000 नकद और 2 तोला सोना तलाई जेवर इन गवाहों की मौजूदगी में किया जाता है, आपको कबूल है? साइन के लास्ट पे स्टॉप करना है बस। बस वैसे ही रखते हैं। जी मैं तो भूल ही गई कि खाना भी है। मुझे तो मेरे भाभियों ने, प्यारी प्यारी भाभियों ने उन्होंने बताया, याद कराया तायरा के खाना खा लूँ। ये देखे जी खाना माशाल्लाह से ज़बरदस्त। ठीक है, पक्का भी अच्छा है। ठीक है, अब हम खाना खा लें। ठीक है, लो जी दूध पिलाई रस्म के लिए, गिलास ज़बरदस्त सा तैयार किया है सालियों ने। चलो ले चलो। अच्छा जी, ये दूध पिलाई की रस्म। ये जी ये निका नामा है जो फ्रेम करवाया है और दोनों ने थाम लगाए हैं। सबसे मुश्किल मरहला रुखसती का है, ये रुखसती हो रही है। भाई के साथ हो जाए, साथ हो जाओ भाई आप। मामू मामू।